खराब रिव्यू के बाद भी सलमान खान बने बॉक्स ऑफिस के सिकंदर। 3 दिन में रेस 3 की कमाई 100 करोड़ के पार। सलमान खान की फिल्म रेस 3 को रिलीज हुए 3 दिन बीत चुके हैं। सलमान खान के लिए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के लिहाज से बड़ी चुनौती मानी जा रही है। दुनिया भर में फिल्म के टिकट की एडवांस बुकिंग चल रही है। ईद के मौके पर रिलीज इस फिल्म का दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। फिल्म ने 3 दिनों में ही 100 करोड़ की कमाई कर ली है। दिलचस्प बात यह है कि ये कमाई तब हुई है जब फिल्म को लेकर न तो अच्छे रिव्यू आए हैं और न ही आई ऑडियंस के रिएक्शन बढ़े हैं। हालांकि सलमान खान जैसे सुपरस्टार के लिए 100 करोड़ के क्लब में शामिल होना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले बजरंगी भाईजान, सुल्तान और एक था टाइगर ने भी 3 दिन में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया है। बात करें रेस 3 की तो फिल्म ने पहले दिन करीब 29 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ यह साल 2018 की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। ट्रेड रमेश बाला के अनुसार रेस 3 ने दूसरे दिन यानी शनिवार को 38.14 करोड़ रुपए की कमाई की। तीसरे दिन यानी रविवार को फिल्म के खाते में तकरीबन 38 करोड़ रुपए आए हैं। इसी के साथ पहले वीकेंड पर सलमान खान की इस फिल्म ने 105 करोड़ रुपए का बिजनेस कर डाला है। फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपए कमाने होंगे और सलमान का जादू अगर ऐसे ही बरकरार रहता है तो अगले 3 दिनों में फिल्म 200 करोड़ का जादुई आंकड़ा भी पार कर लेगी। सलमान की रेस 3 ने बॉलीवुड के किंग खान की फिल्म जब हैरी मेट से जल के ऑयल टाइम कलेक्शन को महज 2 दिन में ही पीछे छोड़ दिया है। फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस कुल 62.50 करोड़ रुपए रहा था। रेस 3 को रेमो डिसूजा ने निर्देशित किया है। सलमान खान और रमेश तौरानी मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है। रेस 3 में सलमान के अलावा बॉबी देओल, अनिल कपूर, जैकलीन फर्नांडिस, साकिब सलीम और डेजी शाह हैं। फिल्म 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है।